कहते हैं सुपर इजी बाई फिश। इसके लिए आपको कोई भी फिश लेना है और आपको चाहिए अदरक, मैंने लिया है 1/4 चम्मच, 5 to 7 गार्लिक और ग्रीन चिली। फिर फिश को बाउल में निकाल देंगे और जिंजर और गार्लिक को क्रश करके ऐसे डाल देंगे। फिर मैंने यहाँ यूज़ किया है लेमन जूस, आप लोग फ्रेगमेंटेड बबल शूट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने डाला है नमक, फिर यहाँ मैंने काली मिर्च डाली है, फिर यहाँ मैंने डाला है ग्रीन चिली और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप लोग इसे 15 मिनट या 30 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दें। फिर यहाँ मैंने एक पैन में बॉइल कर लिया है पानी और मैरिनेट किया हुआ मछली और उनका मसाला डाल देंगे। फिर मैंने यहाँ डाला है ग्रीन चिली और कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद फिश ऑलमोस्ट कुक हो गया है, फिर उसको ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद और 5 मिनट या 2 मिनट आप जितना भी चाहे कवर करके कुक कीजिए। फिर मैंने यहाँ यूज़ किया फ्रेश कोरिएंडर, ऐसे में इसको बोलते हैं मान धनिया, इसको भी डाल देंगे और इसको भी कवर करके 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। 5 मिनट बाद हम लोग का फिश ऑलमोस्ट रेडी है। ऊपर से हम लोग थोड़ा और काली मिर्च डालेंगे और उसको ऐसे ही ओपन में 2 मिनट तक कुक करेंगे। 2 मिनट बाद हम लोग का बॉइल्ड फिश रेडी है। आप लोग इसको गरम गरम हाथ के साथ सर्व कीजिए।